बलिया जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के सिंगही चट्टी के समीप काली मंदिर के पास शुक्रवार की रात युवकों के बीच मारपीट व चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। बलिया जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के सिंगहट्टी चट्टी के समीप काली मंदिर के पास शुक्रवार की रात युवकों के बीच मारपीट व चाकूबाजी की घटना में घायल युवक देवेंद्र चौहान उम्र 35 वर्ष, पुत्र रामप्रीत चौहान निवासी महराजपुर की मौत हो गई, जबकि मयंक उम्र 30 वर्ष, पुत्र रामजीत चौहान और सुनील उम्र 26 वर्ष, पुत्र योगेंद्र निवासी महराजपुर गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि मयंक चौहान की तहरीर पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दो अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया है। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी SN वेस्ट ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की। शुक्रवार को ऑर्केस्ट्रा बुक करने को लेकर दो युवकों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया और यह विवाद धीरे धीरे मारपीट में तब्दील हो गया। इस बीच देवेंद्र चौहान ने ताबड़तोड़ चाकू से प्रहार कर उसे बुरी तरह लहूलुहान करते हुए हमलावरों ने चाकू से ही मयंक व सुनील को भी घायल करते हुए बाइक को वहीं छोड़ फरार हो गए। सूचना पाते ही प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए और गंभीर रूप से घायल देवेंद्र को रसड़ा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे बलिया के लिए रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने उसे वाराणसी भेजा, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हमलावरों की बाइक को कब्जे में लेकर दो व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हमला ये हुआ था कि मैं बाइक से वो आ रहा था मेला देख के। कितने लोग थे आपके साथ? हम लोग दो लोग थे, बट एक जने उतर के चले गए। वहाँ पे कुछ विवाद चल रहा था, कुछ मतलब हमारे गाँव कुछ लोग थे और बाहरी कुछ लोग थे जिनको पुलिस ने पकड़ लिया। विवाद चल रहा था, झगड़ा वगड़ा हो रहा था और इनको मतलब ज़्यादा ही मार रहे थे। मैं बीच बचाव करने के लिए गया था और हमें भी लोगों ने छूड़ा मारा और बेल्ट से भी मारा जो फटा हुआ। किसको मार रहे थे ज़्यादा? वो हमारा एक गांव के चाचा लगेंगे और विद्यत कर गए हैं। अच्छा, क्या नाम है? देवंदर चौहान नाम है। उनको मार रहे थे? उनको मार रहे थे। और आप बीच में गए? हाँ, उनको छुड़ाने के लिए गए तो फिर वो लोग उनको छोड़ कर ज़्यादा ही मार दिया था, मरने की स्थिति में आ गए थे। उसके बाद फिर मेरे को फिर पाँच लोग मिल के मारने लगे। कौन कौन मारा आपको कुछ पता है? अब पुलिस ने पकड़ लिया है, अब पुलिस विभाग से जाकर ले ली डाटा। कहाँ ये घटना हुई थी? सिंगही चट्टी पे। सिंगही चट्टी पे हुआ था। ये बताएंगे कि जो आपके चाचा लगते हैं उनको क्यों मार रहे थे लोग? अब ये वाला चीज़ हमको नहीं मालूम है, वो लोग खुद कुछ बताए हैं क्योंकि मैं बाद में गया था। वो चीज़ मैं कैसे कह सकता हूँ क्यों क्या किया? जिन लोगों ने आपके ऊपर हमला किया उन लोगों का नाम और कुछ अड्डा बता जानते? ना, हमको नहीं पता, वो विभाग से मिल जाए। कितने लोग आप लोग को चोट लगी है? हमारे पास तीन लोगों को चोट लगी है, जिसमें एक डेथ कर गए हैं और हमको ही मारा गया है और एक हमारे साथ में एक लड़का सुनील चौहान उसको ही मारा गया। थाने में तहरीर हो जाती है? सब चीज़ हो चुका है। अरे भाई, लड़का मर गया है तो थाना पर जो मौलजी में उसको पकड़वाने के लिए। कौन लड़का मर गया? जो देवेंद्र चौहान। कैसे मर गया? अब छुरा लगा था, वो मर गया। कहाँ छुरा लगा हुआ था? सिंगही काली माई के स्थान था। अच्छा, मतलब कितने लोग थे कुछ जानकारी है विधवर? अब पारा पारी वो लोग तीन लड़के गांव का हैं, तीनों को छुरा लगा है। अच्छा, इनका हाँ। क्या क्या नाम है? एक देवंदर पुत्र रामप्रीत, मयंक पुत्र रामजीत, सुनील पुत्र जोगिंदर। कितने साल के होंगे सर? 32 वर्ष देवंदर, 20 वर्ष मयंक, 18 वर्ष सुनील। किसकी मौत हुई है? देवंदर चौहान। तीनों कहाँ के हैं निवासी? कहाँ? महाराजपुर के। महाराजपुर के हैं। कहाँ से आ रहे थे? वहाँ मेला देखकर। मेला देखकर जा रहे थे घर। कब हुई घटना? लगभग 8 बजे।